दिल्ली में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता की बागडोर संभालने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की है और बीजेपी को महज 8 सीटों पर ही समेट कर रख दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर देश भर के लोगों की ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की नजरें भी टिकी हुई थी। जब मंगलवार को आधिकारिक तौर पर नतीजे घोषित हो गए तो पाकिस्तानी मीडिया और इमरान खान के मंत्रियों की तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। पाकिस्तान के विज्ञान एवं तकनीक मंत्री फवाद चौधरी ने सबसे पहले दिल्ली चुनाव के नतीजों पर ट्वीट किया। अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले फवाद चौधरी ने इस बार भी मर्यादाओं में रहकर टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने दिल्ली चुनाव में बीजेपी की हार की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, ओ ये क्या हुआ। इसके साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को बेचारा भी कह डाला। हालांकि चुनाव के दौरान फवाद चौधरी को ट्विटर पर खुद अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं और हमें आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल देश और दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए।